पॉइंट के साथ लाइव प्लेटफॉर्म में मैं यादव सर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूँ। चलिए हम लोगों ने रैंकिंग के पार्ट वन को देख लिया है और डाइस चैप्टर पूर्णतः कंप्लीट है, केवल उसके पीडीएफ का सॉल्यूशन बाकी है। तो आप लोग पीडीएफ का सॉल्यूशन करें, मंडे को पीडीएफ का सॉल्यूशन किया जाएगा। आप लोग पूर्णतः पीडीएफ को बना डालें, ठीक है। जो भी क्वेश्चन फंसेगा एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे आप, ठीक है। चलिए रैंकिंग का जो हमने पार्ट वन देखा है, आज हम लोग पार्ट टू देखेंगे और उसके अगले टाइप को देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि उसका अगला टाइप क्या है, रैंकिंग के पार्ट टू का अगला टाइप क्या है। देखिए रैंकिंग के पार्ट टू का अगला जो टाइप है वह है अनुपात संबंध। क्या है? अनुपात संबंध। अनुपात संबंध इसी को बोला जाता है प्रारंभ या अंत से स्थान। क्या बोला जाता है? प्रारंभ या अंत से स्थान। देखिए अनुपात संबंध कब लागू होता है इसको पहले समझिए। जब एक ही पंक्ति में क्या हो कि जब एक ही जब एक ही पंक्ति में ए और बी दो वस्तुएं, बताया था मैंने कल ही, ए और बी के ए और बी के दो स्थानों के बीच क्या किया गया हो, तुलना किया गया हो। जब ए और बी के दो स्थानों के बीच क्या किया गया हो, तुलना किया गया हो तथा तीन स्थितियां दी गई हो तभी यह लागू होता है। क्या हो कि जब एक ही पंक्ति में ए और बी दो वस्तुएं, ए और बी यहाँ पर नाम चेंज भी हो सकता है, ए और बी के दो स्थानों के बीच तुलना किया गया हो तथा उनकी तीन स्थितियां दी गई हो, तो उसके लिए हम लोग क्या एक इनके बीच रिलेशन होता है, उस रिलेशन को लिखते हैं। क्या होता है कि ए वन प्लस ए टू इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू। अब देखिए यही ए वन क्या है, ए टू क्या है तथा बी वन क्या है और बी टू क्या है। ए वन बराबर क्या होता है, ए वन बराबर ए का प्रारंभ से स्थान, ए का प्रारंभ से स्थान। ए टू बराबर क्या होता है, तो ए का अंत से स्थान, देखिएगा बातों को समझिएगा। इसी प्रकार क्या होगा, बी वन बराबर बी का प्रारंभ से स्थान, तथा बी टू बराबर क्या हो जाएगा, तो बी का अंत से स्थान। बातों को ध्यान से समझिए। ए वन बराबर क्या हो जाएगा, ए का प्रारंभ से स्थान, ए टू बराबर क्या हो जाएगा, ए का अंत से स्थान, बी वन बराबर क्या हो जाएगा, तो बी का प्रारंभ से स्थान, और बी टू बराबर क्या हो जाएगा, बी का अंत से स्थान। अब क्या होगा, क्वेश्चन में तीन ही रिलेशन दिए गए होंगे और चौथे रिलेशन को हमें ज्ञात करना होगा। जैसा कि ए का प्रारंभ से स्थान, बी का अंत से स्थान और ए का फिर अंत से स्थान दिया रहेगा और पूछ देगा कि बी का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करें, तो क्या करें आप लोग, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इस पर आधारित से क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम लोग हम इसे बिताते हैं और आगे इस पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए रैंकिंग पर आधारित यही सारे क्वेश्चन आते हैं और लंबाई वजन और ऊंचाई के अनुसार जो क्रम होता है वह बॉर्डर सीक्वेंस में पढ़ा जाता है। बातों को समझिए, वह ऑर्डर सीक्वेंस में बहुत सारे बुक्स में रैंकिंग और ऑर्डर सीक्वेंस दोनों को एक ही में कर दिया है, यानी रैंकिंग और ऑर्डर सीक्वेंस में कोई उसे अंतर ही नहीं स्पष्ट हो पाया है। बातों को समझिए, इसलिए हम जो इसके बाद चैप्टर्स पढ़ेंगे ऑर्डर सीक्वेंस या जो भी चैप्टर्स पढ़ना हो, तो ऑर्डर सीक्वेंस में हम लोग ऊंचाई लंबाई के अनुसार जो वजन के अनुसार क्रम होता है उसको देखेंगे, ठीक है। बहुत सारे बुक्स में, बुक्स का नाम नहीं लूंगा,
लेकिन बहुत सारे बुक्स ने ऑर्डर सीक्वेंस को क्या कर दिया है, रैंकिंग बना दिया है। ठीक है, हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे हैं, ऑर्डर सीक्वेंस नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिया है कि यदि किसी पंक्ति में एक स्थान प्रारंभ से बीसवा है, क्या है, बीसवा है, तथा बी का स्थान क्या है, अंत से पंद्रहवा है। ठीक है, पंद्रहवा है। यदि आगे क्वेश्चन में दिया रहा है कि यदि एक का अंत से स्थान बारहवा हो, क्या हो, बारहवा हो, तो बी का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करें, क्या करें, बी का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करें। बातों को ध्यान से समझिएगा, बी का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करें, यही ना करना है। अच्छा, इसके बीच में मैंने रिलेशन क्या बताया था, यही ना रिलेशन है कि a1 + a2 = b1 + b2, यही ना रिलेशन है इन लोगों के, इनके बीच में। तो क्या करना है हमें, a1 का मतलब क्या है, तो a का प्रारंभ से स्थान, उसके बाद a2 का मतलब क्या है, तो a का अंत से स्थान, तो a1 का मतलब a का प्रारंभ से स्थान है, यानी 20 है, यही ना दिया हुआ है, a का प्रारंभ से स्थान क्या है, तो 20वां है, यहाँ पर 20 लिख दिए। अब a2 का मतलब क्या हुआ, a का अंत से स्थान, तो a का अंत से स्थान क्या है, बारहवां है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बारहवां। ठीक है, b1 पूछ रहा है, यानी b1 का मतलब b का प्रारंभ से स्थान, b2 का मान दिया हुआ है, b2 का मान कितना है, 15वां है, और b1 का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 32। और देखिए जब साइन चेंज होता है ना, जब यहाँ से बराबर के उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, यानी इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी b1 यानी b का प्रारंभ से स्थान निकल जाएगा, कितना होगा, 17, यही क्या हो जाएगा b1, और यही क्या होगा b का प्रारंभ से स्थान, यानी हम लोग काफी इजी वे में इसको निकाल सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले रहे, एक बार फिर से समझ ले, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, a1 का मतलब क्या है, a का प्रारंभ से स्थान जो कि दिया हुआ है 20वां, यही ना लिया है, a का प्रारंभ से स्थान 20वां। a2 का मतलब क्या है, a का अंत से स्थान जो कि दिया हुआ है कितना, यदि a का अंत से स्थान 12वां हो, यहाँ पर 12 दे दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए b1 का मतलब है b का प्रारंभ से स्थान ज्ञात करने को बोल रहा है, और b2 का मतलब है b का अंत से स्थान जो कि 15 दिया हुआ है, इन दोनों को जोड़ दिए, और जब भी बराबर के बाएं साइड जाता है तो क्या होगा, साइन चेंज होगा, क्या होगा, जब भी बराबर के किसी भी साइड में जाएगा कोई भी रहे तो साइन क्या होते हैं, तो साइन चेंज होते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पर चेंज हो गया, यानी b1 का मान हमारा क्या हो गया, 17 हो गया। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले रहे और इस पर आधारित एक क्वेश्चन हम जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है उसको बनाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए इसे बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए इसे बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तब तक इसको हम मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि वस्तुओं की एक पंक्ति में पंक्ति का स्थान प्रारंभ से 45वां है और मेज का अंत से 53वां है। यदि पंखा अंत से 32वें स्थान पर है तो बताएं कि मेज का प्रारंभ से स्थान क्या है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पर यही ना रिलेशन है हमारे बीच में, a1 + a2 = b1 + b2, यही ना रिलेशन है। a1 का मतलब क्या हुआ, जब भी दो वस्तुओं की बात कही गई हो तो पहली वाली वस्तु को a1 मानेंगे और दूसरी a मानेंगे और दूसरी वस्तु को b मानेंगे। ठीक है, a1 का मतलब हुआ उस पहली वाली वस्तु का प्रारंभ से स्थान, यानी इसमें दो वस्तुएं हैं, पंखा का स्थान और मेज, दो वस्तुएं दी हुई है, तो बोला है कि वस्तुओं की एक पंक्ति में पंखे का स्थान प्रारंभ से 45वां है, यानी a1 का मान दे दिया 45वां। आगे क्या कंडीशन है, कंडीशन यह है कि और मेज का स्थान अंत से 53वां है, यानी दूसरी वस्तु का
अंत से तिरपनवा है, यानी बी टू का मान दिया हुआ है कितना, 53 दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन, यदि पंखा का अंत से स्थान, यानी जब भी पहली वस्तु का अंत से स्थान यानी ए टू का मान दिया हुआ है, और ए टू का मान कितना है 32, ठीक है, और क्या पूछ रहा है तो बताएं कि मेज का प्रारंभ से स्थान यानी बी वन का मान पूछ रहा है। बातों को ध्यान दीजिए, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और इसको कुछ साइड ले जाकर के घटा देंगे, कितना होगा ऐड करने के बाद 77 होगा, और यहाँ से 53 इस बराबर के उच्च जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और बी वन का मान क्या हो जाएगा, तो बी वन का मान हो जाएगा 24, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, और देखिए ये नहीं है कि केवल बीमार का प्रारंभ से स्थान पूछेगा, कोई भी पूछ सकता है, इनमें से किन्हीं तीन वैल्यू का दे सकता है और चौथे वैल्यू का मान पूछ सकता है, यानी कोई भी क्वेश्चन आए आप इस रिलेशन के थ्रू, इसी रिलेशन के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस पर आधारित आए आप इसी रिलेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए इसका अगला जो कंसेप्ट है उसको देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला इसका कंसेप्ट है मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, वही कंसेप्ट है कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, आइए इसको समझते हैं। देखिए इस पर आधारित क्वेश्चन का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप देखिए पीडीएफ जो डाउनलोड नहीं हो रहा है उसके लिए मैं बता दूं कि आप लोग एक टेलीग्राम ऐप होता है, टेलीग्राम ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए, उसको इंस्टॉल कर लीजिए, और इंस्टॉल करने के बाद आप अपनी आईडी को लॉगिन कर लें, और उसी में एक ऊपर सर्च का ऑप्शन आता है, उस सर्च में लिखिएगा एजी पॉइंट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, एडी पॉइंट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है, लिखिएगा सर्च आइकन में, तो वहां पर हमारा हम इस कोचिंग का, इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का लोगो दिखाई देगा, ठीक है, उसी लोगों को आप लोग क्या कीजिएगा, उसी लोगों पर आप लोग प्रेस कीजिएगा और जाकर के वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, जहां पर प्रत्येक आपको मिलता है, या डिस्क्रिप्शन से जाइएगा ना तो वहाँ पे जो क्रोम होगा, क्रोम पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो सब टेलीग्राम आएगा, और वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जितने लोगों को पीडीएफ पे दिक्कत हो रहा है वो लोग एक बार समझ ले फिर से कि टेलीग्राम ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और वहां पे सर्च आइकन में अपने आईडी को लॉग इन करने के पश्चात सर्च आइकन में एजी पॉइंट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लिखिए, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, जो लोगो दिखाई देगा उसको जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, उसी में यानी टेलीग्राम पर ही पीडीएफ मिलता है। ऐसे जो है व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक नंबर है 7765034461, और वहां पे टेक्निकल टीम आपको मिलेगी, वहां पर केवल आप अपना परिचय देंगे, एड्रेस भेज देंगे तो वो आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए हम अगले कंसेप्ट को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे दिया है कि किसी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 26 व्यक्ति हैं, क्या है 26 व्यक्ति हैं, और बोले कि बाएं से सातवें और दाएं से नौवे के बीच कितने व्यक्ति हैं, बीच या यहाँ पर क्या बोल सकता है मध्य, बीच या मध्य कितने व्यक्ति हैं। देखिए तो उसको बनाना क्या है, टोटल यानी एक्स का मान दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल यानी इसका फॉर्मूला क्या है, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों के लिए एक्स माइनस एल प्लस आर, यह हमेशा क्वेश्चन में रहना चाहिए, बातों को ध्यान से समझिए, यह हमेशा क्या होना चाहिए, पुस्तक में रहना चाहिए, अगर यह पुस्तक में नहीं रहेगा तो इसका मतलब दूसरा निकल जाएगा, x माइनस एट प्लस आर। आप लोग सिंप्लीफिकेशन जरूर पढ़े होंगे, सिंप्लीफिकेशन जरूर पढ़े होंगे, और सिंप्लीफिकेशन का नियम क्या कहता है, बातों को ध्यान से समझिए, अगर यह पुस्तक में नहीं रहेगा तो दूसरा ही अर्थ निकल जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, निशान चिन्ह को ऐड कीजिए और विपरीत चिन्ह को घटाइए, इसलिए हमेशा इसको क्या करना है, पुस्तक में रखिएगा, बातों को ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, यहाँ पर मध्य में बैठे हुए व्यक्ति, इसका मान क्या है,
पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, x का मान क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या यानी 26 लिख दिए। और अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, इन दोनों को ऐड करना है, इनको तो 9 और 7 को, तो माइनस 9 प्लस 7 यानी बाएं और दाएं से स्थान, टोटल कितना हो गया, 26 में से 16 गया, 26 माइनस 16 यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 10, यानी 10 व्यक्ति ही इन दोनों के बीच में बैठे होंगे। तो आइए उसको समझते हैं कि 10 व्यक्ति कैसे निकलते हैं। मान लीजिए जो 26 जो लेटर है या जो 26 लेटर है वह एबीसीडी के लेटर है, तो यहाँ से ए से लिखकर, ए से लेकर के और जेड तक लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर लिख करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। चलिए इसको, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम बताते हैं कि इसको कैसे निकालेंगे। चलिए जैसे यहाँ पर लिखा रहा है ए बी सी डी पूरा जो 26 लेटर है, ठीक है, वह पूरा लिखा रहा है, ठीक है, एस टी U, V, W, X, Y और Z, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि 26 बाएं से सातवें यानी बाएं से इधर से चलेंगे और बाएं से सातवें स्थान पर क्या आएगा, तो बाएं से सातवें स्थान पर G आएगा। काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सातवें स्थान पर क्या आएगा, G आएगा। उसके बाद बोला है कि दाएं से नौवें, दाएं से नौवें को काउंट कीजिए या उसको घटा लीजिए 27 में से, फिर ये काउंट करके आपको दिखा देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यहाँ पर सातवां आ रहा है, आ रहा है ना, यहाँ पर सातवां आ रहा है। काउंट करके एक बार और देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दाएं से नौवां है, ठीक है, 7, 8 और 9, दाएं से क्या है, 9वें स्थान है और दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या को पूछ रहा है। तो काउंट कर लीजिए कितने व्यक्ति हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी हम इतना नहीं करेंगे, हम लोग सीधे निकाल देंगे। देखिए यहाँ पे आंसर आया हुआ था ना 10, तो हम लोग सीधे हम इसको निकाल सकते हैं किसके द्वारा, x - n + r, इसी फॉर्मूला के द्वारा, इसी ट्रिक के द्वारा। यह सभी ट्रिक है, यह सभी क्या है, ट्रिक है, ठीक है, ये सभी ट्रिक है, बातों को समझिए, ये सभी ट्रिक है। ऐसे तो रोली ऐसे हम लोग बनाते, ठीक है, और जब भी इस पर बड़ा मान दे दें तो बनाने में काफी दिक्कत होगा, काफी दिक्कत होगा। अभी तो 26 पर 27, 28, 30 का दे दे तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 145, 150 इसका मान दे दे तो निकालने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि समझने में कहीं भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, चलिए अब देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपके, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया है, जैसा कि हम इसे मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन दिया रहे, जैसे दिया रहे कि किसी, दिया रहे कि किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में 110 व्यक्ति हैं, दिया रहे क्या, किसी पंक्ति में 110 व्यक्ति हैं, यदि व्यक्ति हैं तो बताएं, तो बताएं बाएं से, बाएं से 55वें और बाएं से 55वें और दाएं से 30वें के बीच, दाएं से 30वें के बीच कितने व्यक्ति हैं, बीच कितने व्यक्ति हैं। क्या करेंगे, इजी वे में निकाल सकते हैं कितने व्यक्ति हैं, हम लोग इजी वे में इसे निकाल सकते हैं। वही ना, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया है, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की, मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या के लिए क्या, बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या बराबर क्या होता है, तो x - n + r, यही ना होता है, यह हमेशा कोष्टक में रहेगा, बातों को ध्यान से समझिए, यह हमेशा क्या रहेगा, कोष्टक में रहेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x का वैल्यू यानी 110 दिया हुआ है और माइनस का साइन यहाँ पर लिख देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी क्या दिया है 55वें और दाएं से क्या दिया है, दाएं से दिया है 30वें, यानी 55 + 30 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 110 माइनस कितना,
पचासी, एक से दस माइनस पचासी, एक से दस माइनस पचासी, अब इसको घटा देंगे कितना होगा, पच्चीस हो जाएगा, क्या होगा पच्चीस, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी इन दोनों के मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, पच्चीस हो जाएगी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस पर आधारित क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां देंगे और आप लोग उसका सॉल्व करते हुए फिर अगले दिन इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन कराएंगे या फिर हम लोग पूरे पीडीएफ का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए अगले बार जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पूरे पीडीएफ का सोल्यूशन करेंगे। चलिए इसको मिलाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन आते हैं, यहाँ पर कुछ कंडीशन आते हैं, यानी कुछ स्थितियां होती है जिनमें आपको क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, यानी एक्स प्लस एक्स माइनस एल प्लस आर का मान भी नहीं निकालना होगा, सीधे देख करके और आंसर को टिक आउट करना है। कब, उन स्थितियों को देखिएगा। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां रहे कि एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एल प्लस आर, दूसरी स्थिति यह रहे कि एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एल प्लस आर, और तीसरी स्थिति रहे कि x बराबर एल प्लस आर। तो इन तीनों ही स्थितियों में हमें क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है और सीधे उसका आंसर क्या होगा तो शून्य होगा, उसका आंसर क्या होगा शून्य होगा। इन तीनों ही स्थितियों में हमें क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करना है, सीधे क्या करना है देखते ही आंसर क्या, ऑप्शन में शून्य दिया है उसको टिक आउट करना है, और नहीं दिया है, यदि ऑप्शन में शून्य नहीं दिया है तो हमें इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा उसको टिक आउट करना है। बातों को ध्यान से समझिए। अब देखिए एक बार इसको समझते हैं कि आखिर x प्लस वन बराबर एल प्लस आर का मान शून्य क्यों होता है। तो चलिए हम लेते हैं फिर एबीसीडी को, यहाँ से एबीसीडी को लेते हैं और 26 लेटर होते हैं ना, देखिए 26 लेटर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि x प्लस वन बराबर एल प्लस आर बराबर एल प्लस आर हो तो शून्य क्यों होगा, ठीक है, देखिए उसको आराम से। अब देखिए यहां पर दिया रहे कि x प्लस वन बराबर एल प्लस आर का मान शून्य कैसे होगा, तो देखिए क्या करना है हमें, यदि क्वेश्चन में दिया रहे कि किसी पंक्ति में कितने व्यक्ति कितने हैं, तो 26 हैं जो कि एबीसीडी है, ठीक है एबीसीडी, और दिया रहा है कि बाएं से बारहवें, क्या दिया रहा है बाएं से बारहवें और बाएं से बारहवें और दाएं से पंद्रहवें, बाएं से देखिए यहां पर देखिएगा बाएं से बारहवें और दाएं से क्या दिया रहा है दाएं से पंद्रहवें, एक बार ध्यान से समझिए बाएं से बारहवें और दाएं से पंद्रहवें, तो बाएं से बारहवां क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, एबीसीडी में एल का क्या होता है कोडिंग 12 होता है, और दाएं से पंद्रहवें, तो दाएं से जब आप पंद्रहवां काउंट कीजिएगा ना, दाएं से आप पंद्रहवां काउंट कीजिएगा तो क्या निकलेगा हमें, तो दाएं से पंद्रहवां जब काउंट कीजिएगा तो पुनः आप एल पर ही आइएगा, काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी क्या आएगा एल पर ही आएगा। इसके लिए कोडिंग डिकोडिंग जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो इसके लिए एक ट्रिक होता है कि 27 में से यदि बाएं से निकालना है तो 27 में से घटा दीजिए तो अब बाएं से स्थान हो जाता है, यानी 15वां है तो 27 में से 15 घटा देंगे 12, यानी जो लेफ्ट से 12 होगा वही क्या होगा दाएं से 15वां होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर बाएं से भी 12वें है और दाएं से भी क्या है दाएं से जब उसको काउंट कर रहा है 15वां को तो फिर क्या आ रहा है एल पर ही आ रहा है, यानी एल और एल के मध्य में कोई बैठ सकता है, एल और एल के मध्य में कोई बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। देखिए यह किसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर 12 है 12 प्लस 15 एक्स जो है 12 प्लस 15 है ना 27, और x का टोटल वैल्यू कितना है तो 26 है, तो x प्लस 1 हो जाएगा, यानी 26 प्लस 1, यानी कितना 26 प्लस 1 बराबर 27 हुआ, यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू एल प्लस आर को तो क्या होगा शून्य होगा। इसी प्रकार सबका होगा, एक बार इसका इसी प्रकार क्या होगा सबका होगा, इसी पर हम लोग समझ लेते हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम समझते हैं अगले, यानी एक नंबर हमारा कंसेप्ट को फॉलो कर लिया, दो नंबर भी समझा दे रहे हैं और तीन नंबर भी समझा दे रहे हैं, ताकि कहीं भी रीजनिंग में कहीं भी कोई भी आपके पास
कंफ्यूजन नहीं रहे, रीडिंग कहीं भी पढ़े क्लियर कंसेप्ट पढ़े, क्लियर कंसेप्ट पढ़े। क्लियर कंसेप्ट क्या होता है? क्लियर कंसेप्ट इज द पावर ऑफ एवरी स्टूडेंट। क्लियर कंसेप्ट ही आपके एग्जाम में काम आएगा और वही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। ठीक है, क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। जब क्लियर कंसेप्ट रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंसेप्ट को समझाते हैं, फिर थर्ड को समझा देते हैं और इसी प्रकार उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मिलाते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। जैसे एबीसीडी यही लिखा रहेगा, ठीक है, एबीसीडी यही लिखा रहेगा, केवल मान चेंज होगा। ठीक है, केवल मान चेंज होगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर L है और यहाँ पर क्या है? M है। बात को समझिए आराम से। देखिए वही बोला है कि किसी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो 26 व्यक्ति, यानी x का वैल्यू दिया है। और सेकेंड वाले कंसेप्ट को हम लोग समझ रहे हैं। अगर बोले कि बाएं से 12वें, यानी L का मान कितना 12 दिया हो, और आगे बोले कि दाएं से यानी R का मान कितना, दाएं से 16वें हो, तो इसका मान शून्य कैसे होगा? एक बार उसको भी समझ लीजिए कि इसका मान शून्य कैसे होगा। देखिए बाएं से 12वें का मतलब क्या हो गया? बाएं से 12वें का मतलब L, और दाएं से 16वें तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे 16, क्या हो जाएगा? 11। यही जो 11 संख्या होगी वही क्या होगा? तो बाएं से होगा, यानी जब दाएं से 16वें काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ये आएगा, यानी 11वाला आएगा। देखिए अभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ है, इसलिए आपको समझने में 11 कैसे है दिक्कत होता होगा, तो आप लोग सीधे काउंट कर लेंगे, यह समझाने के लिए है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में ऐसी परिस्थिति आए ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा हमेशा, ऑलवेज कीप इन योर माइंड, हमेशा माइंड में रखना है इसको, कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए, जब भी ऐसी स्थितियां आए, तो हमें क्या करना है, सीधे शून्य को टिक आउट करना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, केवल हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा जब दाएं से 16वें, यानी के हो जाएगा। अब देखिए के और एल के बीच में कोई बैठा है, के और एल के बीच में कोई बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता है। अब देखिए यह किसका किसको फॉलो कर रहा है? अब देखिए एल प्लस आर यानी 16 प्लस 12 कितना हो गया? 28। 16 प्लस 12 28 हो गया, और x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू है 26, यही ना है, यानी x प्लस टू बराबर एल प्लस आर को फॉलो करें, 26 प्लस 2 तभी ना 28 होगा, यानी x प्लस टू इज इक्वल टू एल प्लस आर, यानी यह सेकेंड नंबर को फॉलो करता है। अब थर्ड वाले को देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड वाले को देखिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कैसे दिया है क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि कहीं भी क्लियर कंसेप्ट रहे, अगर किसी को समझाना भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, जो भी चैप्टर पढ़ाई हो जाए उसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यह रैंकिंग टेस्ट है, यह ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को यह प्रॉब्लम होगा कि भाई ऊंचाई और लंबाई वाले क्वेश्चन नहीं कराया जा रहा है, तो ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर है, वह रैंकिंग चैप्टर नहीं है। कुछ बुक्स जो है ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर को ही रैंकिंग में डाल दिया है, तो उन सारी बातों को नहीं देखना है। हमने जो सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया है उसमें हमने ऑर्डर सीक्वेंस चैप्टर्स के नाम से एक चैप्टर्स अलग दिया है, उस चैप्टर्स को हम पढ़ाएंगे और बताएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। ठीक है, आप लोग धैर्य पूर्वक पढ़ते रहें और एग्जामिनेशन से पहले पूरे रीजनिंग को कंप्लीट कर डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस पर प्रैक्टिस सेटों का सोल्यूशन कराएंगे, यानी 25-25 क्वेश्चन का पूरा रीजनिंग खत्म होने के बाद 25-25 क्वेश्चन का डेली प्रैक्टिस सेट, यानी DPS की व्यवस्था हमारे पास है और डेली प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगले वाले टर्म्स को समझते हैं। देखिए अगला वाला जो टर्म्स दिया रहा है कुछ इस प्रकार का दिया रहा है, जैसे कि किसी पंक्ति में 26 व्यक्ति हैं, फिर वही कंसेप्ट पर हम लोग एक ही कंसेप्ट पर तीनों को समझ लेते हैं। किसी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो 26 व्यक्ति हैं। ठीक है, और बाएं से स्थान एल का मान 12 रख दिए, प्रत्येक में 12 रख रहे हैं तो इसमें भी 12 रख दिए, केवल आर का मान चेंज कर रहे हैं। आर का मान कितना हो, यानी दाएं से कितने स्थान पर हो? 14वें पर हो, तो बाएं से जब 12वां होगा वो तो एल हो जाएगा, लेकिन दाएं से 14वां जो होगा तो आप लोग क्या करें, 27 में से घटा लीजिए, वह एम होगा, लेकिन घटा करके देख लीजिए, 27 माइनस
14 13 हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा, बाईस स्थानीय नियम हो जाएगा। देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं पढ़े हैं तो आप लोग वैसे भी काम कर सकते हैं, यह समझने के लिए है, केवल यह समझने के लिए है। एग्जामिनेशन अमल में ऐसे क्वेश्चन आए तो हमें हल नहीं करना है, उसका सोल्यूशन नहीं निकालना है, केवल देख करके टिक आउट करना है, ठीक है, हमें केवल देख करके टिक आउट कर देना है। चलिए जैसे यहाँ पर दिया, यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 एम आया ना, जो कि क्या है बाईस से तेरहवें स्थान पर है, तो एम हो गया यहाँ पर। अब देखिए एल और एम के बीच में, एल और एम के बीच में कोई बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता है। अब देखिए हमारे एक्स बराबर ए प्लस वार आर वाले यानी थर्ड फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर टोटल व्यक्तियों की संख्या 26 है और एल प्लस आर जब 12 प्लस 14 को जोड़ते हैं तो अभी क्या आ रहा है, 26 आ रहा है, यानी थर्ड वाले हमारे कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है और इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर क्या होगा, शून्य। यानी कोई भी इस पर आधारित क्वेश्चन करेगा आप क्या कर सकते हैं, सीधे देख करके बना सकते हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। जब भी आए ऐसे क्वेश्चन ना तो केवल क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है, सीधे शून्य लिख देना है और जो होगा वही आंसर होगा। यदि शून्य नहीं हो तो क्या करना है हमें, उनमें अभी यदि ऑप्शन हो इनमें से कोई नहीं तो उसको टिक आउट करना है। चलिए इसे मिलाते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे। देखिए जब भी आज हमने रैंकिंग के दो कंसेप्ट को देखा और इस पर आधारित क्वेश्चन जो है, इस पर आधारित क्वेश्चन का लिंक पीडीएफ में, पीडीएफ का जो लिंक दिया है जो कि डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सबको सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन इस पर होंगे आप लोग सॉल्व करें, ठीक है। अगले जब हम पीडीएफ का सॉल्यूशन कराएंगे, तो आप लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, आज के लिए। अच्छा हाँ, पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग बहुत कम ही बता रहे हैं, कुछ लोग ही बता रहे हैं, पब्लिक कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह क्लासेस कैसा लग रहा है। और देखिए आप लोगों के पॉजिटिव कमेंट से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और हम लोग उससे भी बेहतर क्लासेज आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। और जरूर बताइएगा पब्लिक कमेंट में कि मेरा यह क्लासेज कैसा लगा, साथ ही आप लोग शेयर और सब्सक्राइब करवाना नहीं भूलें, लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।